आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। मैं मिस्टर गुलाब सिंह, डायरेक्टर ऑफ WDA। आज एक हम लोगों ने, सब लोग पूरे लखनऊ वासियों ने, काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित व्यक्तियों ने मिलकर एक रैली निकाली है। इसका एक उद्देश्य है कि हमारा भारत एक बहुत विकास की तरफ बढ़ रहा है और हमारा जो मत है, हमारा जो देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं, इसको एक विकासशील देश बनाने के लिए आम जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो अपने आप से वोट करते हैं, हम सबसे अपील करते हैं अपने वोट के अधिकार को ना छोड़ें। कितना भी इम्पोर्टेंट काम है उस दिन, आप अपना वो काम छोड़ दें, लेकिन 5 साल जो आपके ऊपर राज करने वाले हैं उनके लिए एक बेहतर सरकार कैसे बन सकती है, उनको वोट करें। और पूरे एक बार फिर मैं अपील करता हूं पूरे देशवासियों से कि एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए सब लोग अपना वोट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि लोकतंत्र में, जनतंत्र में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा मत है, और मत दे करके हम राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। ये सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, इसलिए हमारा आह्वान है सभी से कि 100% मतदान को सुनिश्चित करें। मैं JP सिंह, समाज का एक सबसे छोटा व्यक्ति, जो कि देश निर्माण के लिए अपना एक योगदान देना चाहता है, आज हम लोगों ने इसी परिप्रेक्ष्य में ये रैली आयोजित की है। इसका आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है कि आम आदमी, जो एक बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और देश को कैसे एक नई दिशा पे ले चले, इस लोकतंत्र के पावन पर्व पे उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, क्यों उसे घर से निकल के मतदान के लिए आना चाहिए, इसी के लिए हम लोगों ने इस रैली का आयोजन किया है। और यह अपेक्षा है कि देश का प्रत्येक नागरिक, जो कि वोट देने का अधिकारी है, वो अपने वोट से अपनी सरकार बनाए, देश को नए रास्ते पर आगे ले चले, नई दिशा दे, और उसकी दी हुई दिशा से ही देश आगे बढ़े। मैं JP सिंह साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम का आयोजन किया, और ये प्रोग्राम बेसिकली लोगों को जगाने के लिए है, उनके अंदर मोटिवेशन लाने के लिए कि वो ज़रूर वोट डालें और अपना मत का प्रयोग करें। हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का मत का प्रयोग करना दिन पे दिन कम होता जा रहा है। ये JP सिंह साहब को बधाई देना है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, और हमें पूरा अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। सर, आज यहाँ पर बच्चों के साथ में एक रैली मार्च निकाला जा रहा है, क्या कुछ ये मार्च है और क्या कुछ इसका मकसद है? सबसे बड़ा मकसद हमारे देश का ये महापर्व जो होने जा रहा है, हमारा मतदान का, हर एक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार बनता है कि हम लोग मतदान जरूर करें। जब हम मतदान करें तभी अपनी मन की सरकार हम ला पाएंगे, और जब हमारी सरकार आएगी तभी हम इस देश के राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि राजनीतिक दल भी इस चुनाव में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं कि देश का विकास हो और लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें? मैं पूरे देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग अब राष्ट्र को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी को हम लोग वोट दें, जिससे इस राष्ट्र का, जो हमारी आने वाली सरकार है, इस राष्ट्र में बड़ा फैसला ले सके, बड़ा काम कर सके और हमारे विश्व में अपने देश की पहचान बना सके। भारत देश में लोकसभा का चुनाव 2019 में हो रहा है, ये विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। इतनी बड़ी जनसंख्या किसी भी देश में अपने वोट का प्रयोग करने के लिए विश्व में उपलब्ध नहीं है, और इस महापर्व में सभी लोग जागरूक होकर के अपने मतदान का प्रयोग करके देश की सरकार का चुनाव करें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। इस दृष्टि से JP सिंह जी द्वारा यहाँ पर जो जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, इसमें राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर AK त्रिपाठी, पद्मश्री सभ्यसाची सरकार जी और डॉक्टर संजय निरंजन जी द्वारा, और भी समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, वरिष्ठ लोग, नागरिक और सब लोग एकत्र होकर के बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर आज ट्रांस गोमती में रैली का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस रैली के माध्यम से लोगों में जन जन तक संदेश पहुँचेगा और लोग अपने मतदान का मूल्य समझेंगे और उसका प्रयोग करते हुए देश की सरकार के चुनाव में अपना अमूल्य योगदान देंगे।